उदयपुर में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या के बाद कल प्रदेश भर में विरोध स्वरूप विभिन्न संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया। इस हत्याकांड को लेकर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रही। उदयपुर में आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भाली पुलिस जाब्ता तैनात है। घटना के विरोध में उदयपुर में सर्व समाज की ओर से रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस बीच प्रदेश भर में धारा 144 लगी हुई है। उधर वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत ने आज महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचकर मृतक कन्हैयालाल के घायल साथी ईश्वर गौड़ से कुशलक्षेम पूछी और परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। ये सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई है। कर बंद का आह्वान सर्व समाज और व्यापार मंडल के द्वारा किया गया है और जो उदयपुर में एक जघन्य अपराध कुछ उग्रवादियों द्वारा और भाई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कर दी गई, उसी के रोष में आक्रोश में पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों में रोष है और बंद के द्वारा और शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाल के उनके समर्थन में कि सरकार जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे और ऐसे हत्यारों को सख्त से सख्त सजा और जल्द से जल्द मिले, इसी के प्रयास में सिक्किर को आज बंद किया गया है।